नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर मेघा गोयल। आपको जैसे पता ही है मैंने अभी घर शिफ्ट किया है क्योंकि मेरा घर जो है वो रेनोवेट हो रहा है। ऐसे में सारा सामान इधर उधर हो जाता है, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, कभी कभी तो कुछ सामान मिलता ही नहीं है। कितना भी आप बॉक्सेस को लेबल कर लो पैकेजिंग के वक्त, पर फिर भी भूल पड़ ही जाती है। किचन शिफ्ट करना तो बहुत बड़ा ही काम है। मैं एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ और चांस की बात है मेरे नीचे भी लोग अभी ही शिफ्ट हुए हैं। मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो आए कि थोड़ी चीनी मिलेगी। मैंने उनको चीनी दी और चीनी देते वक्त मेरे दिमाग में एक बात आ गई। एक बात ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और मैं आपसे बात शेयर करने आ गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए और कभी ज़रूरत पड़े तो खुद भी हेल्प लेनी चाहिए, पर अनजाने में कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो हेल्प के साथ बहुत परेशानी का कारण बन जाती हैं। हम जब भी किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। आप तो छोटी सी चीज़ समझ के ले लेते हो, पर वो आपको इतना नुकसान पहुंचा देगी कि आप जब परेशानी आपको आएगी तो आप भी कारण पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको गलती से भी किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए और ना उनसे फ्री में लेना चाहिए, नहीं तो ग्रहों में दिक्कत आ जाती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोर्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। फ्री चीज़ें अगर आपसी संबंधी बिगाड़ दें तो उनका क्या फ़ायदा है ना। जैसे नमक, हमें किसी से भी नमक कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आपकी मम्मी कहीं घूमने जाएं, वहाँ से काला नमक ले आएं या एक नमक की डली ले आएं, तो भी अपनी मम्मी से नमक फ्री में नहीं लेना है। इससे आपके आपसी संबंध खराब होंगे, उसमें खटास आएगी और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पे प्रभाव होगा। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो कि आपको आर्थिक दिक्कतें जिससे आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी से भी नमक लें तो उसके बदले उसे आप 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये बिल्कुल आप दें। कहावत भी आपने सुनी होगी, मैंने उसका नमक खाया है, मैं उसका ऋणी हूँ। तो हमें किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। दूसरा है अचार। गलती से भी अचार ना लें किसी और से। अचार का सीधा सीधा संबंध होता है आपकी कुंडली में शनिदेव का। शनिदेव बहुत नाराज़ हो जाते हैं और आपको आपके काम के क्षेत्र में दिक्कतें आने लगती हैं। पैसा जगह जगह आपका अटकना शुरू हो जाता है, तो किसी से अचार ना लें, और अगर लें तो उसके बदले में आप उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दें। आपको पता होगा कि लड़की की शादी में सब कुछ जाता है, कपड़े, बेडशीट, टॉयलेटरीज, यहाँ तक कि सुई धागे का डिब्बा। मगर उस सुई धागे के डब्बे में 2 चीज़ें नहीं होती, कैची और सुई। अब आप ही सोचो, इतने सामान में एक बेचारी छोटी सी कैची और सुई क्या करेगी। कैची और सुई अगर आपने किसी से लेके अपने पास रखी तो आपका जो राहु है वो खराब होता है, शनि जो है वो खराब होता है, केतु जो है वो खराब होता है। और ये तीनों ग्रह जब आपकी कुंडली में खराब हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां उत्पन्न करने लगेंगे। आपकी किसी के साथ बेवजह लड़ाई हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी से फ्री में ना तो कैची लें ना सुई लें। अब मान लीजिए आपकी आँख में कुछ गिर गया और किसी ने प्यार से आपको अपना रुमाल दिया तो आपको नहीं लेना है। प्लीज़ आप टिश्यू का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपको प्यार से रुमाल दे रहा है उसी के साथ आपकी लड़ाई पक्की है। आप लिख लीजिए, रुमाल स्वच्छता का प्रतीक है और हम किसी को यूज़ करके रुमाल उसको अगर देंगे, यानी गंदगी देंगे जो कि गलत है। और रुमाल अपने आपने अगर रख लिया तो बस आप भूल ही जाइए कि आपका जो प्यारा जिसने आपको हेल्प करी थी
उससे आपकी लड़ाई 101% है। तो किसी से भी आप अगर रुमाल ले रहे हैं, गलती से आपने रुमाल ले लिया और उसको देना वापस भूल गए, तो उस रुमाल को आप अपने साथ घर में मत रखिएगा, उस रुमाल को आप फेंक दीजिएगा। इससे रुमाल का सीधा सीधा संबंध आपके चंद्रमा ग्रह से होता है और ये आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों में दिक्कतें ला सकता है। तो गिफ्ट लेते और देते हुए ध्यान रखें, गिफ्ट प्यार बढ़ाने के लिए दिए और लिए जाते हैं, ना कि लड़ाई करने के लिए, है ना। कितनी अद्भुत बातें, और हम इन बातों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं आपकी कुंडली से जुड़े ग्रहों को लेके। सो बी केयरफुल विद गिफ्ट्स। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। Angels love for everyone. Atma, namaste.